Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, मेरा एक और दूसरा भी चैनल है जिसका नाम है देवा रॉक्स. तो आपसे गुजारिश है कि मेरे उस चैनल पर भी आप एक बार विजिट कीजिए. देवा रॉक्स है, आप यूट्यूब पे देवा रॉक्स सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, जिस पर मैं शॉर्ट मूवी डालता हूँ, फनी वीडियो डालता हूँ और डांस के भी वीडियो डालता हूँ. मैं एक एक्टर, डांसर और सिंगर भी हूँ. तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे देवा रॉक चैनल पर भी विजिट कीजिए और मेरे वीडियोस देखिए. अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, इन द लास्ट क्लास आई टॉट यू अबाउट द इम्फेटिक एंड स्टेटमेंट्स पार्ट 4 एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द इम्फेटिक एंड स्टेटमेंट्स पार्ट 5. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, इम्फेटिक एंड स्टेटमेंट्स क्या होता है, अभी आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं रह गई है. पिछली मैंने 4 वीडियो में आपको बताया है कि इम्फेटिक और स्टेटमेंट्स वैसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें जोर देकर कुछ भी कहा जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं इसमें. वह नहीं आई और आएगी भी नहीं. वह नहीं आई और आएगी भी नहीं. तो सी Did not come nor will she. सॉरी, यहाँ पे नॉट लिख दिया मैंने, नॉर होगा. तो she did not come nor will she. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि वो नहीं आई, ये तो सिंपल है. सी डिड नॉट कम, वो नहीं आई. दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट. ओके, उसको जैसा कहते हैं बना दिया हमने. फिर उसके बाद नॉर लिखना है और नॉर के जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. आप यहाँ पर आप लोग गलती कर देते हो, चुप हो जाते हो, नॉर के बाद सी विल लिख देते हैं. तो नॉर के बाद ही हम जो भी वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आता है, इज आएगा तो इज, कैन आएगा तो कैन, विल आएगा तो विल. ठीक है फ्रेंड्स. अभी दूसरा सेंटेंस, उसने मदद नहीं की और कर भी नहीं सकता. तो ही डिडंट हेल्प नॉर, अभी सकता है यहां पर तो कैन लगाएंगे, नॉर कैन ही. वह उसने मदद नहीं की और कर भी नहीं सकता. ही डिड नॉट हेल्प नॉर कैन ही. ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है. बस आपको यही समझना है कि नॉर के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है. ठीक है फ्रेंड्स. अब यहाँ पर वह नेता नहीं है और हो भी नहीं सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कुछ फ़र्क है, माइनर फर्क है, जिसको समझना ज़रूरी है कि वह नेता नहीं है और हो भी नहीं सकता है. वह बेईमान नहीं है और होगा भी नहीं. इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, आपको समझ में आ रहा है? इसमें दोनों में यही फर्क है कि इस सेंटेंस में वर्ब है, मीन्स यहाँ पे वर्ब काम कर रहा है, और यहाँ पर वर्ब नहीं है, यहाँ पर एडजेक्टिव होगा या तो नाउन होगा. ठीक है फ्रेंड्स, वह नेता नहीं है तो नेता इज नॉट अ वर्ब, और हो भी नहीं सकता है. इसमें कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं आएगा. इन दोनों में यही फ़र्क है. जैसे इसमें ही डिड नॉट हेल्प, हेल्प इज द वर्ब, इस और यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है यहाँ पर. ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देख लो आप, फिर समझ में आ जाएगा. फिर हम इसको बनाएंगे कैसे, इसमें हम सिर्फ बी का इस्तेमाल करेंगे. ही इज नॉट अ लीडर नॉर कैन ही बी. सेम वैसा ही है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बी लगा देंगे. ठीक है फ्रेंड्स, बी का इस्तेमाल हम लास्ट में करेंगे. वह बेईमान नहीं है और होगा भी नहीं. ही इज नॉट डिसऑनेस्ट नॉर विल ही बी. सिंपल है, बी का इस्तेमाल करना. बस आपको समझना यही है कि इस तरह के सेंटेंस और इस तरह के सेंटेंस में फ़र्क क्या है. आपको फ़र्क को समझना है कि इसमें वर्ब है, यानी क्रिया है, करने का कुछ भाव है इसमें. जैसे उसने मदद नहीं की, वह नहीं आई, तो आना वर्ब हो गया, इसमें मदद करना वर्ब हो गया. लेकिन इसमें कहीं वर्ब नहीं है, इसमें एडजेक्टिव होगा या तो नाउन होगा.
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम लास्ट में बी लगा देंगे, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, नोर के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद बी लगा देंगे। तुम एक अच्छे खिलाड़ी नहीं हो और हो भी नहीं सकते, तो यू आर नॉट अ गुड प्लेयर नॉर कैन यू बी। सकता है यहाँ पर, इसलिए हमने नॉर के बाद कैन लगाया। तो यू आर नॉट अ गुड प्लेयर नॉर कैन यू बी, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, बस समझना है माइनर फर्क को कि इसमें फर्क क्या, दोनों में क्या फर्क है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये बहुत ईजी था, और ये था आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जाते जाते ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स हमारे वीडियो देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, एक मिनट और डेढ़ मिनट देखकर बाहर निकल जाते हैं, जिससे यूट्यूब को लगता है कि ये अच्छा वीडियो नहीं है, इसलिए वो वीडियो को प्रमोट नहीं करता है और स्टॉप कर देता है, वहीं का वहीं रोक के रख देता है, जिस वजह से हमारा वीडियो किसी और आदमी के पास किसी और मोबाइल में नहीं दिखता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हो तो पूरा देखो, कमेंट करो, लाइक करो, अगर नहीं देखना है तो मत देखो, घुसो ही मत। इंग्लिश अगर आपको नहीं सीखना है तो सीखो ही मत, मीन्स आप ओपन ही मत करो। ओपन करते हो, आधा मिनट एक मिनट देख के बाहर निकल जाते हो, इससे मेरा और नुकसान होता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। व्यूज़ खाली आते हैं कि हाँ इतने व्यूज़ आ गए, बट उस व्यूज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है जब तक वीडियो को पूरा ना देखा जाए, कम से कम 50% ना देखा जाए। 50% से ओवर होगा तभी यूट्यूब वालों को लगेगा कि अच्छा वीडियो है और उसको प्रमोट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अगर आपको इंग्लिश सीखना ही है, तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, वरना आप ओपन ही मत कीजिए, एंट्री मत कीजिए वीडियो में, खोलिए ही मत। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं नाराज़ होकर नहीं बोल रहा आप लोगों से, इससे मेरा नुकसान होता है। मैं कुछ पैसे नहीं कमाता हूँ, मैं एक साल से वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ, मैं कुछ एक भी पैसे नहीं कमाता हूँ, फिर भी मैं मेहनत करता हूँ। इसमें मेरे रोज़ का 4 घंटे जाते हैं वीडियो बनाने में, फिर एडिटिंग करने में, फिर अपलोड करने में। मैं 4 घंटा क्यों देता हूँ? मैं लोगों को सीखने के लिए करता हूँ। मैंने शुरू में इंग्लिश क्लास भी खोला था, तो मजाक में खोला था, और 6 महीने तक बिना फी लिए मैंने पढ़ाया था सबको। फिर बाद में इसको मैंने प्रोफेशन बना लिया, और पूरे सिटी में सबसे कम फी लेकर मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूट्यूब पे मैं वीडियो डालता हूँ ताकि लोग घर बैठे बिना पैसे के, बिना कहीं जाए, घर पे बैठे ही सीख सके इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप वीडियो देखते हो, अगर आपको इंग्लिश सचमुच में अगर आपको इंग्लिश सीखना है, तो आप वीडियो देखो, पूरा देखो, समझने की कोशिश करो। आप ऐसे ही करते हो, आप लोग थोड़ा सा आधा मिनट मुझे मेरा वीडियो देखोगे, फिर खोलोगे, हटोगे वहाँ से, फिर दूसरे का आधा मिनट, एक मिनट, दो मिनट वीडियो देखोगे, फिर वहाँ से हटोगे, तीसरे का देखोगे। इस तरह से जगह जगह कुआं खोदने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक जगह पकड़ो और कुआं खोदते जाओ, कभी ना कभी तो पानी निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।